हेलो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। सो आप सबको पता होगा कि क्लास 10th आईसीएससी में मैथ्स में एक नया टॉपिक जुड़ा है जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। सो जीएसटी क्या है, हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो आप सबको पता होगा कि पहले इंडिया में वैट सिस्टम चलता था, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, और ये हमारे कोर्स में भी था पहले। बट ईयर 2017 से जीएसटी लागू हो गया। अभी जीएसटी क्या है, पहले इंडिया में कई सारे टैक्सेस थे, जैसे कि आपका वैट हो गया, एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एंड और भी कई सारे टैक्सेस थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वो सारे टैक्सेस हटा दिए एंड उन टैक्सेस की जगह अब एक टैक्स लिया है गवर्नमेंट, जिसे हमने कहा जीएसटी। सो गवर्नमेंट का थॉट क्या था इसके पीछे, कि जब हमारी कंट्री एक है सो वहां पे एक ही टैक्स होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स। सो इसी सोच के साथ गवर्नमेंट ये नया टैक्स सिस्टम लेके आई है इंडिया में। सो जीएसटी क्या है एंड ये कैसे लगता है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, सो हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे एंड देखेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, आप जीएसटी को अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। सो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये होता क्या है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, कहीं से भी हम कोई सामान खरीदेंगे या कोई सर्विस परचेज करेंगे, सो वहां पे हमें कुछ टैक्स पे करना होता है। यही टैक्स क्या है, जीएसटी। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट है ₹100 एंड सपोज गवर्नमेंट का टैक्स है 10%, मीन्स 10% सपोज हमारा जीएसटी है। सो इस ₹100 पे टैक्स लगेगा 10% का। सो 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो, 10% ऑफ 100 कितना आ जाएगा, ये ₹10। सो ₹10 हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स। तो हम जब भी सामान को खरीदेंगे तो हमें ये ₹100 तो देना ही देना है, साथ में हमें ये ₹10 भी पे करना पड़ेगा। तो आप जब भी मार्केट से इस सामान को खरीदोगे तो इस सामान के लिए आपको एक्चुअल कितना पे करना पड़ेगा, 100 + 10, मीन्स ₹110 आपको पे करना पड़ेगा इस सामान के लिए। सो इस 110 में से जो ₹10 आपने पे किया, ये आपका एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। अब ये वेरी कर सकता है, सो इसके रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं कि जीएसटी कितने टाइप्स का होता है। सो जीएसटी बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सीजीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। आप नाम से ही समझ जाओगे, सेंट्रल मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है उसे हम बोलते हैं सीजीएसटी। फिर हम बात करें अगर एसजीएसटी की, सो एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट जीएसटी। सो स्टेट जीएसटी आप यहाँ भी नाम से समझ सकते हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाता है वो होता है एसजीएसटी। सो मान लो फॉर एग्जांपल आप यूपी में रहते हो एंड आपने कुछ टैक्स दिया, सो उस टैक्स का जो पार्ट आपकी यूपी गवर्नमेंट को जाएगा वो आपका क्या होगा, स्टेट जीएसटी, एंड जो पार्ट आपके टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा वो होगा सीजीएसटी। सो आप इस तरह समझ सकते हो कि जो टैक्स आपका स्टेट गवर्नमेंट में जाता है वो होता है एसजीएसटी एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है वो होता है सीजीएसटी। देन थर्ड होता है हमारा आईजीएसटी। अब आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये वो टैक्स होता है जो आपका डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, मींस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास जाता है एंड वो डिसाइड करती है कि इसका क्या करना है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। अब टाइप्स ऑफ सेल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे सेल किस तरह से हो रही है, सेल क्या एक ही स्टेट के अंदर हो रही है या फिर दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में हो रही है। ये बहुत जरूरी है जानना, बिकॉज जीएसटी दोनों केसेस में अलग अलग तरीके से लगता है। अब जैसे मान लो फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो दो लोग हैं एंड दोनों आपके एक ही स्टेट के हैं, एक ही स्टेट में दोनों लोग हैं एंड ए ने क्या किया, एक प्रोडक्ट बी को क्या किया, सेल कर दिया एंड वो प्रोडक्ट सपोज कितने का था, ₹100 का था एंड आपका टैक्स मान लेते हैं 10% टैक्स आपका लग रहा है। सो अभी मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको बताया था पहले, सो अगर ₹100 का आइटम है एंड उस पर ₹10 का टैक्स लग रहा है, मीन टैक्स कितना लग रहा है इस पर, ₹10 का। सो ये कितने का मिलेगा बी को, 110 का। सो अब यहाँ पे जब एक ही स्टेट में सेल्स होता है, सो यहाँ पे जो जीएसटी होता है वो दो हिस्सों में बट जाता है, सीजीएसटी में एंड एसजीएसटी में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 10% आपका कितना था, टोटल टैक्स था। सो इस 10% का आधा आधा यानी कि 5% सीजीएसटी में जाएगा एंड 5% एसजीएसटी में जाएगा। मीन्स अगर बी ने ₹10 पे किया है एज अ टैक्स, तो ₹10 का हाफ पार्ट यानी कि ₹5 किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड आधा पार्ट यानी कि ₹5 किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। सो जो आपका टैक्स होता है वो बराबर बराबर दो हिस्सों में बट जाता है, सीजीएसटी में एंड एसजीएसटी में, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास रिस्पेक्टिवली चले जाते हैं। सो जब भी आपका सेम स्टेट में सेल्स होगा, सो वहां पे ध्यान रखना वहां पे दोनों टैक्सेस लगते हैं, मीन्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो जब भी सेम स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट सेल्स की बात होगी, सो वहां पे कौन से दो टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। सो सेकेंड केस इज व्हेन द सेल्स टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, मान लो एक पर्सन ए है जो कि मान लो एक स्टेट को बिलोंग कर रहा है एंड
बी जो है वो दूसरे स्टेट को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे स्टेट्स का मतलब ये है कि मान लो ए सपोज एक स्टेट ले लेते हैं यूपी का है, एंड जो बी आपका है वो सपोज महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे दो लोग हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स के हैं। अब सपोज ए ने बी को एक आइटम सेल किया जो कि कितने का था, ₹100 का था, एंड यहाँ पे टैक्स अगेन हम ले लेते हैं 10% का। सो आप प्रीवियस एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो, अगर 10% टैक्स है इस ₹100 पे, सो टैक्स कितना हो जाएगा आपका ₹10। सो बी को कितना पे करना पड़ेगा, बी को पे करना पड़ेगा ₹110। अब यहाँ पे जब दो अलग अलग स्टेट्स की बात है, सो ये जो आपका टैक्स आया है इसी को हम बोलते हैं IGST या फिर इंटीग्रेटेड GST। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लो। अब जब दो लोग अलग अलग स्टेट्स के थे, ए एंड बी स्टेट्स के, अब यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा कि किस स्टेट को कितना टैक्स मिलना है, तो ये काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो टैक्स पे हुआ, इस केस में ₹10 पे हो रहा है, सो ये टैक्स डायरेक्ट जाता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि इन दोनों स्टेट्स के बीच कितना कितना टैक्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो बाय चांस आपके पास क्वेश्चन आता है जो कि इंटर स्टेट सेल्स के ऊपर है, इस क्वेश्चन में ऐसी सेल्स के बारे में डिस्कस किया गया है जहाँ पे दो अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है, सो वहां पे जो आप टैक्स निकालोगे वहां पे वो डिवाइड नहीं होगा, वहां पे वो सिंगल टैक्स होगा, एंड वो कौन सा वाला टैक्स होगा आपका, IGST। तो ध्यान रखना जब भी इंटर स्टेट सेल्स की बात होगी तो आपको CGST एंड SGST निकालना है, एंड जब भी बात होगी इंटर स्टेट सेल्स की तो वहां पे आपको IGST कैलकुलेट करना है। सो ये हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा वाला GST कहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अभी क्वेश्चंस को करने से पहले एक लास्ट चीज और देख लेते हैं जिसे कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट GST। अब ये भी क्वेश्चंस में आपको निकालना होगा, तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम तीन लोग की बात करेंगे, एक हमारा मैन्युफैक्चरर है जो कि प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनते हैं तो वहां की बात करेंगे, एंड एक हमारा डीलर है जो कि उस सामान को वहां से खरीद के लाएगा अपनी शॉप पे, एंड फिर हम बात करेंगे कंज्यूमर की जो कि उस सामान को खरीद के अपनी डेली लाइफ में यूज करेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, मैन्युफैक्चरर कोई आइटम डीलर को सेल करेगा, एंड डीलर वही आइटम किसको, कंज्यूमर को सेल करेगा। सो यहाँ पे दो जगह सेलिंग हो रही है, सो दो जगह सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे दो जगह GST भी लगेगा। सो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट जितनी भी बार बेचा जाता है या जितनी भी बार उसकी सेलिंग होती है वहां पे हर बार उस पर GST लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, एक बार मैन्युफैक्चरर वो डीलर को बेच रहा है, एंड डीलर उसको कंज्यूमर को बेच रहा है फिर से। सो यहाँ पे दो बार GST लगेगा, कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। अब यहीं पे आपको बताऊंगा कि इनपुट एंड आउटपुट GST क्या है यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर डीलर को कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका सेलिंग प्राइस क्या है, ₹100, एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं कि GST हमारा कितना है, 10% का है। सो GST 10% आपका लग रहा है। सो अगर प्रोडक्ट हमारा ₹100 का है एंड 10% GST है, सो 10% ऑफ 100 मीन्स ₹10 यहाँ पे एज टैक्स पे करना पड़ रहा होगा किसे, डीलर को, ठीक है। डीलर हैज टू पे ₹10 एज टैक्स बिकॉज GST इज 10%। सो यहाँ पे जो डीलर ने ये टैक्स पे किया इसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट GST। सो जो टैक्स डीलर खुद पे करता है किसी प्रोडक्ट को खरीदते टाइम उसी को हम बोलते हैं इनपुट GST। अब डीलर ने ये प्रोडक्ट को खरीद लिया, अब डीलर क्या करेगा, इस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ा देगा, अब वो थोड़ा सा उसको बढ़ा के ही बेचेगा ताकि वो उसमें प्रॉफिट कमा सके। अब मान लो डीलर ने प्राइस बढ़ा के 120 कर दिया, अब यहाँ पे भी GST कितना लग रहा है, 10%। सो अब जब वो सामान कंज्यूमर को सेल करेगा, सो यहाँ पे अब कंज्यूमर को टैक्स देना पड़ेगा जो कि कितना होगा, 10% ऑफ ₹120। सो 10% ऑफ ₹120 आप निकालोगे कितना आ जाएगा, ₹12। तो कंज्यूमर को कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, ₹12। सो अब ये टैक्स जो कंज्यूमर पे कर रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट GST। सो जो टैक्स डीलर खुद पे करता है उसे हम कहते हैं इनपुट GST, एंड जो टैक्स कंज्यूमर पे करता है डीलर को उसे हम कहते हैं आउटपुट GST। अब जो फर्स्ट केस था हमारा, फर्स्ट डील थी, तो ये टैक्स तो डीलर ऑलरेडी पे कर चुका है गवर्नमेंट को। देन नेक्स्ट केस की बात करें, सेकेंड सेलिंग के टाइम, सो सेकेंड सेलिंग के टाइम कंज्यूमर ने जो टैक्स पे किया ₹12 का, अब ये सारा टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं दोनों का डिफरेंस, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 माइनस 10, सो ये आ जाएगा ₹2। सो ये जो ₹2 आया, अब सेकेंड सेलिंग के टाइम यही ₹2 एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा किसको, डीलर को। सो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना गया, फर्स्ट वाले केस में आप देखो यहाँ पे ₹10 गवर्नमेंट के पास गया था, एंड यहाँ पर ₹2 गवर्नमेंट के पास गया। सो टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पास कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इक्वल्स टू ₹12। सो आप देख सकते हो कि टोटल टैक्स गवर्नमेंट के पास कितना जा रहा है, ₹12। सो ये है आउटपुट एंड इनपुट GST, आपको क्वेश्चंस में इनको कैलकुलेट करना होगा। सो ये था कॉन्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट GST का।